आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 मैथ्स, जो कि है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं। तो जब ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज अगर बी के एलिमेंट्स में आ रही है, सभी की ए के इमेज जो है किसी भी उसमें आ रही है, तो वो क्या होंगे, वो फंक्शन होंगे। अब यहाँ पे लिखा है जैसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो अगर किसी फंक्शन का हमें इनवर्स निकालना है तो उसका क्या होना जरूरी है, उसका इंटरजेक्टिव होना जरूरी है। तो इंटरजेक्टिव होने के लिए दो चीजें जरूरी है फंक्शन में, एक तो उसे 1-1 होना चाहिए एंड द नेक्स्ट थिंग इज उसे 1-2 होना चाहिए। तो अभी हम चेक करेंगे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 1-1, 1-2 है या नहीं है। सबसे पहले हम इनकी डोमेन और रेंज देखेंगे। जो डोमेन है, जो डोमेन होता है वो ए वाली वैल्यू होती है, जैसे हमने लिखा कहीं पे साइन थीटा, तो इस थीटा के अंदर हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये इस फंक्शन की साइन की डोमेन हो जाएगी। जैसे अगर हम साइन की डोमेन की बात करें तो इसमें हम सारे रियल नंबर्स को पुट कर सकते हैं, और इसकी जो रेंज होगी, मतलब कि यहाँ साइन थीटा में कुछ भी वैल्यू पुट करें तो इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आ सकता है। तो ऐसे ही अगर साइन में हम कुछ भी पुट कर रहे हैं, कोई भी रियल नंबर, तो उसकी वैल्यू -1 से लेके 1 तक आ सकती है। फिर ऐसे ही कोस है, कोस की डोमेन भी क्या है, सारे रियल नंबर है और इसकी रेंज भी सेम एज साइन होती है, -1 से 1 तक। नेक्स्ट है हमारे पास टेन। अब जो टेन होता है, तो टेन को हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, लेकिन अगर यहाँ पे कोस 0 हो जाए तो ये वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे भी सारे रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन माइनस एक्स, ये माइनस एक्स तब होगा जब कोस जो है वो 0 हो जाएगा। तो और एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्या होगा, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, यानी कि 2n+1 π/2, और जो n है यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, और इसकी जो रेंज है वो सारे रियल नंबर आ सकते हैं, मतलब इसमें कोई भी वैल्यू हमारी आ सकती है रियल नंबर की। नेक्स्ट है कोट। अब कोट को हम क्या लिखते हैं, कोट को हम लिखते हैं कोस अपॉन साइन। तो इस केस में अगर साइन 0 होता है तो क्या होगा, ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ऐसी वैल्यूज यहाँ पे साइन 0 हो जाए उसे हम नहीं लेंगे, तो यहाँ पे आर माइनस एक्स कर देंगे, और यहाँ पे क्या होगा मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। इसके बाद इसकी जो रेंज आएगी वो भी सारे रियल नंबर्स होंगे। इसके बाद है हमारे पास सेक। सेक को हम क्या लिखते हैं, सेक होता है हमारा 1/cos। तो अगेन अगर कोस की वैल्यू 0 हो जाए तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे भी हम रियल नंबर माइनस एक्स कर देंगे, और एक्स वही होगा हमारा ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। और इसकी जो रेंज आएगी, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी, सारे रियल नंबर से आएंगे पर 1 से लेके -1 तक ये वाली वैल्यू नहीं आ सकती इसकी, क्योंकि सेक और क्या होता है, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन बी लिखते हैं, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होगा बेस से, तो इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 से लेके -1 के बीच में कभी नहीं हो सकती। इसके बाद सेम है कोसेक। तो कोसेक को हम क्या लिखते हैं, 1/sin, और अगेन साइन 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे आर माइनस एक्स कर देंगे, एक्स क्या होगा एन इंटू पाई, और इसमें भी सेम कंडीशन लगेगी क्योंकि कोसेक क्या होता है, एच अपॉन पी, तो अगेन इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, रियल नंबर -1 से लेके -1 तक। अब हम ग्राफ की हेल्प से देखेंगे कि क्या ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये 1-1, 1-2 है या नहीं है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो ज़्यादातर 1-2 तो होते हैं पर वो 1-1 नहीं होते। देखते हैं कैसे, जैसे इस वाली वैल्यू पर हम देखें और इस वाली वैल्यू पर, दोनों जगह जो है हमारा सेम आंसर निकल के आएगा, सेम वैल्यू आएगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो 1-1 नहीं है। अगर ये 1-1 नहीं है तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनका इनवर्स जो है वो नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू को रेस्ट्रिक्ट कर दें एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, तब हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कि ये -π/2 से और ये π/2 तक, यहाँ से यहाँ तक जो है कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है उसे रेस्ट्रिक्ट कर देंगे -π/2 से π/2 तक, और इसे हम मान लेंगे अपनी प्रिंसिपल ब्रांच, और इसमें जो इसकी रेंज निकल के आएगी, मतलब कहाँ से कहाँ तक वैल्यू आ सकती है, तो वो सेम रहेगा -1 से 1 तक। इसके बाद नेक्स्ट है कोस का, ये
कोस का ग्राफ है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। तो इसमें अगर हम देखें माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, तो यहाँ पे जो है वैल्यू रिपीट हो जाएगी इधर से इधर तक। तो यहाँ पे हम ये वाली प्रिंसिपल ब्रांच नहीं ले सकते। अगर हम इसे देखें जीरो से और यहाँ पाई तक, यहाँ से यहाँ तक हमारी कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रही है। तो इसकी वैल्यू को हम इतना रेस्ट्रिक्ट कर देंगे और इसको लेंगे जीरो से पाई तक, और रेंज जो है इसकी भी सेम रहेगी माइनस वन से वन तक। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये 10 का ग्राफ है। 10 में क्या होता है, हमने जो पाई बाय टू होता है और जो माइनस पाई बाय टू होता है, ये इस पे क्या होती है, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी नॉन डिफाइंड कह सकते हैं या फिर इन्फिनिटी कह सकते हैं। तो इन वाली वैल्यू को ये टच नहीं करता, पाई बाय टू को और माइनस पाई बाय टू को। लेकिन इसके जो बीच की वैल्यू है, यहाँ पे हमारी कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे हम इसकी प्रिंसिपल ब्रांच सेम लेंगे माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक। यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया था क्योंकि ये वाली वैल्यू भी आ सकती है और ये वाली वैल्यू भी आ सकती है, लेकिन 10 में माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू की वैल्यू नहीं आ सकती, इसलिए हमने यहाँ पे कर्व ब्रैकेट लिया। और रेंज इसकी भी यही रहेगी, सारे रियल नंबर्स जैसे पहला था। अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो है कोट का ग्राफ। उसमें क्या हो रहा है, जैसे ये माइनस पाई है, जीरो है और पाई है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या जा रही है, इसकी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे इस वाले से स्टार्ट करें जीरो से लेके पाई तक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं होगी। तो हमारी जो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होगी वो होगी जीरो से पाई तक। और ये कर्व ब्रैकेट में इसलिए रखा हुआ है इसे क्योंकि इसकी वैल्यू ना तो जीरो पे आएगी और ना ही पाई पे आएगी। और रेंज इसकी हमें पहले से ही पता है, सारे रियल नंबर आते हैं कोट में। इसके बाद जो है ये ग्राफ सेक का है। सेक के ग्राफ में क्या होता है, हमें एक चीज तो पता है कि यहाँ पे जो हमारी रेंज निकल के आती है वो वन से और माइनस वन के बीच में कभी नहीं आती, इससे ज़्यादा रहती है, इससे कम रहेगी। तो इसमें हम देखते हैं, अगर यहाँ पे यहाँ से बात करें, जैसे ये जीरो से स्टार्ट करें और यहाँ तक पाई तक, इस वाली वैल्यू तक, ये इधर जा रहा है और ये इस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी हमारी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है जीरो से पाई के बीच में। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच जीरो से पाई तक तो रहेगी, लेकिन एक वैल्यू एक्सक्लूड हो जाएगी पाई बाय टू की, क्योंकि इस फंक्शन पे ये इस पॉइंट पर ये फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइन होता है। तो हमारी प्रिंसिपल ब्रांच हो जाएगी जीरो से पाई तक माइनस पाई बाय टू। इसकी रेंज हमें पता ही है, सारे रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग माइनस वन टू वन। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्राफ है वो है हमारा कोसेक का। कोसेक का ग्राफ जो है वो भी कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पे भी वन से और माइनस वन के बीच में इसकी कोई भी वैल्यू नहीं आती। और अगर हम इसे देखें, इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए यहाँ से ये वाली वैल्यू, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो यहाँ पे रिपीट होगी, तो हम जीरो से पाई तो रख नहीं सकते इसे। हम क्या करेंगे, यहाँ पाई बाई टू से और ये माइनस पाई बाई टू वाली वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतनी वैल्यूज को हम पुट कर सकते हैं। तो यही हमारी प्रिंसिपल ब्रांच हो जाएगी। और यहाँ पे जीरो पॉइंट पे क्या होगा, ये फंक्शन जो है नॉट डिफाइन होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं रहती थी, तो हम जीरो को एक्सक्लूड कर देंगे इसमें से। और इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज भी क्या होती है, सारे रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग माइनस वन टू वन।